रानी पर राजकुमारी दिया सिंह का बढ़ता कद वसुंधरा की बना मुसीबत। 5 साल पहले दिया पर भारी पड़ी थी वसुंधरा, बाजी पलटी। सत्ता मिलने पर दिया कुमारी को मिल सकता है सीएम पद। राजनीति में बाजी पलटते देर नहीं लगती। कब सत्ता कुर्सी हाथ से विसल जाए या कब विपक्ष की राजनीति करते करते नेता को सत्ता मिल जाए, ये सब कुछ दिनों में हो जाता है और कभी कभी तो कुछ घंटों में ही। 3 महीने पहले महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है जब विपक्ष का नेता सीधे डिप्टी सीएम बन गया, वो भी बिना चुनाव के। लेकिन अभी हम बात चुनाव की कर रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। कांग्रेस की सत्ता दांव पर है। राजस्थान में कांग्रेस को बीजेपी के साथ यहां के राजनीतिक रिवाज से भी लड़ना है। राजस्थान में पिछले 30 साल से रिवाज चला रहा है कि यहां सत्ता बदल जाती है। जिस पार्टी की सरकार होती है वो विपक्ष में पहुंच जाता है और विपक्षी दल सत्ता में आ जाता है। ऐसे में इस बार बीजेपी की सत्ता में आने की बारी है और इसी के चलते बीजेपी में सीएम पद के दावेदारों की इस बार संख्या भी ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी ने इस बार सीएम उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किया है। चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने की तैयारी है और साथ ही तैयारी अपने सभी दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारने की भी चल रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम उम्मीदवारी को लेकर दावे कर रही थी, लेकिन पार्टी ने उनकी दावेदारी को खारिज कर दिया है और उनकी जगह अब एक समय में वसुंधरा की सबसे बड़ी विरोधी रही महारानी दिया सिंह को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिया सिंह और वसुंधरा के बीच का टकराव 7-8 साल पुराना है। दरअसल 2013 में दिया सिंह ने राजनीति में एंट्री की थी। उस समय वो राजकुमारी दिया सिंह थी और सवाई माधोपुर सीट से जीतकर वो विधानसभा पहुंची। लेकिन जल्द ही उस समय के सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया से उनका टकराव शुरू हो गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार ने दिया सिंह की किस्मत बदल दी। वसुंधरा ने दिया को विधानसभा का टिकट नहीं लेने दिया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में राजसमुंद से उतार दिया। दिया को जीत मिली और अब दिया सिंह बीजेपी की ओर से सीएम पद की दावेदार भी बन गई है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर जयपुर पहुंचे थे। उस दिन मंच संचालन का जिम्मा दिया के पास था। इसके बाद से ही चर्चा होने लगी, क्या राजकुमारी दिया ही रानी का सियासी विकल्प बनने वाली है। इन चर्चाओं को बल देते हुए एक तस्वीर आई है। दरअसल जयपुर में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन चल रहा था और उस प्रदर्शन में सांसद राजकुमारी दिया सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठी नजर आई। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस प्रदर्शन में वसुंधरा राजे नहीं दिखी थी। राजकुमारी की जयपुर से लेकर राजसमंद तक की सक्रियता ही बार बार इन अटकलों को हवा देती है कि वो वसुंधरा राजे का विकल्प हो सकती है। दिया सिंह कैमरे पर आकर कांग्रेस को ललकार रही है, उससे भी लग रहा है कि वो सीएम पद की रेस में है। चर्चा है कि बीजेपी दिया सिंह को विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है और दिया सिंह और वसुंधरा राजे में काफी चीजें एक जैसी हैं। दोनों महिला हैं, दोनों ही राजघराने से आती हैं, दोनों ही उस राजपूत जात से ताल्लुकात रखती हैं जो राजस्थान की सियासत में प्रभावी दखल रखता है। ऐसे में बीजेपी अगर 70 साल की रानी के विकल्प के तौर पर भविष्य के लिए 55 साल की रानी को आगे करती है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राजकुमारी दिया राजस्थान के राजसमंद से सांसद हैं। वो जयपुर के पूर्व महाराज भवानी सिंह की बेटी हैं। जयपुर राजघराना खुद को भगवान राम का वंशज बताता है। कहा जाता है कि जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह भगवान राम के बेटे कुश के 309वें वंशज थे। ऐसे में राजपूत समाज पर उनका जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेरोल्ड दर्पण न्यूज़।